जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विकास लाइफ केयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, विकास लाइफ केयर में एक्चुअल में क्या चल रहा है, इसमें इसके जो निवेशक हैं और कितना बर्बाद होंगे, सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन बात सही है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप तक इसमें बने हुए हैं तो आगे क्या करना है और क्या आपको बने रहना है भी कि नहीं या निकल जाना है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। इसलिए पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें बाई कीजिए, सेल कीजिए, आपकी जो मन करे कीजिए, लेकिन एक जो मेरा व्यू है, मैं आपको विकास लाइफ केयर बारे में आज क्लियरली बताने वाला हूं कि स्टॉक एक्चुअल में करने क्या जा रहा है और आपको इसमें होने वाला आपका क्या है। देखिए, विकास लाइफ केयर का शेयर प्राइस देखेंगे तो आज के दिन तकरीबन 3.30 रुपये पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है और देखेंगे कोई मोमेंट नहीं हुआ। जहां पर इसका प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर इसने क्लोजिंग दिया। कल के दिन का भी क्लोजिंग देखेंगे तो ये 3.30 रुपये के आसपास था जहां पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। पिछले एक सप्ताह के रिटर्न की बात कर लें तो कोई खास रिटर्न इसमें देखने को नहीं मिलेगा और पिछले एक मंथ में देख सकते हैं 14.5% के आसपास तो इसमें गिरावट देखने को मिला है। और यह चार्ट देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि काफी लंबे समय से चार्ट, पिछले एक मंथ की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने में देखेंगे तो स्टॉक नीचे ही गिरा है। पिछले 6 महीने में यहाँ पर तो काफी मतलब यहाँ तक धीरे धीरे गिरे, इसके बाद देखेंगे तो प्राइस काफी तेजी से नीचे की तरफ आया और आने वाले समय में और क्या हो सकता है, विकास लाइफ केयर का प्राइस और तेजी से धड़ाम हो सकता है नीचे की तरफ। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको और ज्यादा लॉस हो जाएगा। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को विकास लाइफ केयर में नुकसान ही हो रहा होगा। देखिए, मैं आपको नुकसान से बचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत संभव है कि वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट में भी आ जाएं। विकास लाइफ केयर कंपनी, विकास लाइफ केयर क्या काम करता है, इसका फंडामेंटल कैसा है और इस काम के बदलाव तथा फंडामेंटल के बदलाव फ्यूचर में कंपनी कितना ग्रो करेगी, इस मुद्दे पर बाद में आएंगे। लेकिन पहले आपको हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पहले बता देता है कि स्टॉक में क्या होने वाला है। तो टेक्निकल के माध्यम से मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि इस स्टॉक में एक्चुअल में क्या चल रहा है और आने वाले समय में आगे क्या हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का चार्ट ओपन करते हैं। तो अभी मैंने इस कंपनी के एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ और जरूरत पड़ेगा तो इसके बाद फिर 5 साल के चार्ट पर भी बात को समझेंगे, लेकिन पहले एक साल के चार्ट पर बात को समझ लीजिए। अभी देखिए, एक साल के चार्ट पर आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिससे ये लाइन देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो ये तकरीबन दिसंबर 2022 तक का एरिया है। यहाँ तक दिसंबर 2022 के बाद जब देखेंगे तो इसका प्राइस जब इस एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था, रेंज बाउंड से जब बाहर निकला दिसंबर 2022 के बाद, तो इसका प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आया। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 4 रुपये का एरिया है, एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन 4 रुपये के लेवल को तोड़ने के बाद, और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तोड़ दिया, पहले नीचे आया फिर रिट्रेसमेंट मार्कर ऊपर गया। यहाँ पर कुछ लोग निकल सकते थे जो लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं यहाँ पर भी बने रहा और उसके बाद फिर प्राइस नीचे आ गया। अब देखिए, अब आगे क्या हो सकता है, इसी बात को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक बने रहेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसका 5 साल का चार्ट ओपन करते हैं। तो 5 साल का चार्ट जब मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे कि अभी इसका प्राइस जहाँ पे है ये 3 रुपये के आसपास। अब देखिए, इसके बाद जो इसका अगला सपोर्ट लेवल निकल कर सामने आएगा, एक तो कह सकते हैं कि अभी भी ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, लेकिन इसके नीचे जो इसका अगला सपोर्ट लेवल ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरिया इसका अगला सपोर्ट लेवल है जो कि 1 रुपये के आसपास है। यानी कि विकास लाइफ केयर का प्राइस यदि इसके नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, 1 रुपये के आसपास आ सकता है। और आपको शायद मेरा भरोसा नहीं हो, आप मुझको हो सकता है कुछ लोग कमेंट में गाली भी देंगे, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो फैक्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हो सकता है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि विकास लाइफ केयर में ऐसे ही गिरावट चलते रहा, इसका बुरा दिन चलता रहा, तो इसका प्राइस अब जल्दी आपको 1 रुपये के आसपास भी आते हुए दिखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास लाइफ केयर मल्टीपल कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उस कंपनी से भी इस कंपनी को फायदा होगा। तो देखिए, ऐसा जब होगा तब होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में क्या हो सकता है, वो बातें मैं आपको टेक्निकल के माध्यम से जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। बात सही है कि विकास लाइफ केयर आज के समय में देखेंगे तो प्लास्टिक, पॉलीमर और केमिकल के अलावा ये कंपनी FMCG प्रोडक्ट में है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में है, तमाम तरह के बिजनेसों में इंटर किए हाल के दिनों, बात सही है और उसका कुछ अच्छा इफेक्ट होते हुए भी दिख रहा है। लेकिन जो कंपनियाँ काम करती हैं और जो कंपनी का फंडामेंटल होता है, उसके बदौलत कंपनी में ग्रोथ आने वाले समय में होता है, तुरंत देखने को नहीं मिलता, तुरंत जो होता है वो चार्ट बताता है। तो चार्ट के माध्यम से जो बातें होने वाली मैंने आपको बता दी। कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा देख लेते हैं। फंडामेंटल भी ठीक है, तकरीबन 500 करोड़ के आसपास की कंपनी है और शेयर प्राइस का बुक वैल्यू सुपर है तथा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल इंप्लूड जो है पॉजिटिव है। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो फंडामेंटल पेनी स्टॉक होने के बदौलत कंपनी का ठीक है, मजबूत है, बढ़िया है, लेकिन इसके बदौलत जो इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ दिखेगी हमें क्या है, हमें तो शेयर प्राइस ऊपर जाने से मतलब है, शेयर प्राइस में तेजी आने से मतलब है। तो ये जो स्टॉक में ग्रोथ दिखेगा वो आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन तब तक क्या आप इसमें बने रहना चाहते हैं या निकल जाना चाहते हैं, टोटली आप पर डिपेंड करता है। जो शॉर्ट टर्म में जो होने वाला है, जो मेरा व्यू, मैंने आपको विकास लाइफ केयर के बारे में बता दी। मन में कोई भी इससे रिलेटेड सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो कमेंट में जरूर पूछेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं तसल्ली से सबके सवालों का जवाब देता हूँ। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, यदि आपके पास बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एंजल वन या MS स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।